रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं इन्वेंशन ऑफ ग्लास में, उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमने आज पढ़ा है, आप पढ़ते हुए अपनी कॉम्प्रीहेंशन को इस तरह ज्यादा कर सकते हैं कि अपने आप से क्वेश्चन पूछें, क्या, क्यों, कहाँ पे, और विजुलाइज करें। विजुलाइज का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे तसव्वुर की आंख से देखें, उसको महसूस करें, और अपने माइंड में इस तरह से बनाएं जैसे एक मोशन पिक्चर चल रही होती है, और चीजों को कनेक्ट करें, आपस में जोड़ें कि शुरू कहां से हुई कहानी और खत्म कैसे हुई। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेंज थिंग डिड द फिशरमैन नोटिस ऑन द सैंडी बीच। सैंडी बीच पे मछेरों ने क्या चीज नोटिस की। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और खुद से सोचें, आपने शुरू में ही पढ़ा था कि व्हेन इन द मॉर्निंग वन ऑफ द मैन नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लंप इन द एशेस, एक लंप जो है उसने नोटिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लंप इन द एशेस, किस चीज ने इस राख में इस लंप को बनाया। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, रात को तो बीच में ऐसी कोई चीज नहीं थी। दे थॉट दैट कुड द फायर समहाउ हैव मेड दिस ऑड सब्सटेंस, कि ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है इसको फायर ने बनाया। हाउ इज ग्लास मेड, ग्लास को कैसे बनाया जाता है। आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि ग्लास इज मेड विद सैंड मिक्स्ड विद सर्टन केमिकल्स इन अ वेरी हॉट फायर, यानी एक भट्टी में सैंड के साथ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे ग्लास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन सबमरीन्स एंड स्पेसशिप्स। अभी हमने स्पेसशिप्स और सबमरीन्स में कौन सा ग्लास यूज किया जाता है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, हम पहले पढ़ के आए हैं कि द ग्लास यूज्ड इज वेरी टफ, जो बहुत ज्यादा सख्त जान होता है ग्लास, वो यूज किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा ग्लास जो कि अंडर प्रेशर, ग्रेट प्रेशर ऑफ वाटर, द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस, द एक्सट्रीम हीट व्हेन कमिंग बैक इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो इस सारी चीजों को बर्दाश्त कर सके, इतना सख्त जान होता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेंसेज, लेंसेज के इस्तेमाल क्या है। अदसा भी उर्दू में लेंस को कहते हैं। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, हमने तीन इस्तेमाल तो इस बुक में पढ़े हैं, जैसे ग्लासेस के लिए यूज होता है, जो आंखों नजर की ऐनक कमजोर हो जाए तो लोग ग्लास लेंस इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा कि टेलीस्कोप जो है वो भी लेंसेज के इस्तेमाल से बनती है, और फिर माइक्रोस्कोप भी, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जिससे छोटी चीजें बड़ी नजर आती हैं। तो एक तो हो गया ग्लासेस, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन तीनों चीजों में लेंस इस्तेमाल होते हैं। हु मेड द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप किसने बनाई। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, टेलीस्कोप जो है वो किसने बनाई। आपको पता है कि एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम गैलीलियो था, उसने पहली जो है वो टेलीस्कोप बनाई। टेलीस्कोप से दूर की चीजें देखते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द माइक्रोस्कोप, और जो माइक्रोस्कोप है जिससे खुर्दबीन भी कहते हैं, जिसे छोटी चीजें बड़ी नजर आती हैं, वो किसने बनाई। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, वो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए शाबाश, कि एक डच साइंटिस्ट था एंटन वान लियोवोक, उसने बनाई। व्हाट इज द माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है, और पहली दफा माइक्रोस्कोप से देखा गया कि पानी के अंदर भी क्या होता है, सी टाइनी क्रिएचर स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन हेयर, रेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए, और पता चला बीमारियां जर्म से पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी रिसाइकल ग्लास। रिसाइकल ग्लास का मतलब होता है कि एक चीज को जब हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, उसका दोबारा कार आमद बनाना। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, हम पहले पढ़ के आए हैं कि हम रिसाइकल इसलिए करते हैं, नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड वेज टू रिसाइकल ग्लास इन ऑर्डर टू यूज इट ओवर अगेन, उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। नेम सम ऑफ द यूजेस ऑफ ग्लास, हम ग्लास को किन तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। वीडियो ही आप यहाँ पे स्टॉप करें, अभी हम बहुत सारे यूजेस इस बुक में भी पढ़ के आए हैं, और बहुत सारे यूजेस आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे
ग्लासेस में इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप्स इससे बनती हैं, टेलीस्कोप्स बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन और प्लेन्स में, विंडोज में इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ग्लासेस हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग्स, सबमरीन्स एंड स्पेस शिप्स। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ग्लास जार्स, बॉटल और ग्लास की ब्रिक्स भी बनती हैं। इसके अलावा आप इसके बहुत सारी और चीज़ें जैसे कैमरा, टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, डेकोरेशन पीस, बल्ब, बिल्डिंग्स, फाइबर ऑप्टिक्स, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें आज ग्लास यूज नहीं होता, इसके अलावा पेवमेंट ब्रिक्स, रोड्स की पेवमेंट के लिए, सो यू कैन नेम अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इसके साथ साथ अपने करैक्टर की मजबूती के लिए भी काम कर रहे होंगे। आपने कुरान रोज़ पढ़ना है, सुन्नत को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करनी है, मुस्कुराना ज़्यादा है, सच बोलना है, और रात को सोने से पहले सोचें कि आपने आगे ले जाने के लिए अपनी बास्केट में क्या चीज़ें भरी हैं, क्या आपने आज किसी की मदद की, आप नरमी से बोले, आपने किसी को अच्छा मशवरा दिया, आप रहम दिली, आपने बी काइंड, आपने किसी की बात को दरगुजर किया, आपने अपनी अच्छी बात दूसरे से शेयर की, आपने अपनी बारी का इंतजार किया, आपने गंद नहीं फैलाया, सफाई की। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।